नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन से मंगाई हुई एक 4 लेयर की स्टोरेज रैक, जिसका की प्राइस 899 रुपीज था। ये 3 लेयर्स में भी अवेलेबल है। ये मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो इसका इंस्टॉलेशन है, बहुत ही आसान है। हालांकि इसके साथ कोई भी इंस्टॉलेशन का मैनुअल नहीं था, लेकिन बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल हो गई और इसमें प्रॉपरली व्हील वगैरह मैंने लगा दिए। इसका साइज जो है 14x20x12 सेंटीमीटर है और कंपनी का क्लेम है कि यह 20 kg तक का वेट ले सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये क्लेम सही है। तो देखिए, इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया और ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से लगी और इसे मैंने कई अलग अलग जगह रख के देखा। तो देखिए, इस तरह से ये हो गई बिल्कुल रेडी और आसानी से मूव करने लगी व्हील की मदद से। सबसे पहले मैंने इसे रख के देखा किचन में। यहाँ रखी हुई थी मेरी एक वुडन की शेल्फ। अगर आपने मेरा किचन का टूर देखा है तो इसमें मैंने किचन के जितने भी मसाले के डब्बे होते हैं, शुगर टी बॉक्स होते हैं, वो सब मैंने रखे और बहुत ही प्रॉपरली इसमें प्लेस हो गए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं था। जो टपरवेयर के डब्बे होते हैं उनका साइज करीब अच्छा खासा होता है, इसी तरीके से जो ग्लास के ये जितने भी आइटम्स थे, ये सब मैंने इसमें रखे, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और इसे मैंने ऊपर रख के देखा, इसी तरीके से जब मैंने इसको नीचे भी रखा तब भी इसने सारा वेट ले लिया और किचन के भारी डब्बों की वजह से ये बिल्कुल भी गिरी नहीं। तो इसका जो जो इसमें साइड में जो ये लगे हुए हैं, इसकी जो शेल्फ हैं, इससे इसके डब्बे बिल्कुल, इसमें रखे हुए डब्बे या सामान बिल्कुल भी नहीं हिलता और गिरता भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही आइडियल लगी किचन के लिए। इसके अलावा मैंने इसको रखा अपनी लॉन्ड्री एरिया में, अपनी वॉशिंग मशीन के पास। तो वॉशिंग मशीन का जो सामान होता है, लॉन्ड्री का जो सामान होता है, वो मैंने इस पे रखा और इसको खिसकाया। आगे पीछे जब मैंने खिसकाया तो ये अच्छे से मूव हो रही थी और कोई भी सामान गिर नहीं रहा था। बस इसे हमें धीरे से खिसकाना है, ये नहीं कि हम सामान रख के इसको बहुत तेज़ी से खिसका लें। तो इसमें लॉन्ड्री का सारा सामान मैंने रखा तो ये प्रॉपरली वहाँ पर प्लेस हो गई। ये क्योंकि एक स्लिम साइज की है, एक पतला सा साइज है, तो आप इसे किसी टेबल के पीछे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया बना रखा है, तो ड्रेसिंग एरिया के पीछे वाली जगह में मैंने इसे अंदर की तरफ रख दिया। तो क्योंकि ड्रेसिंग एरिया में बहुत छोटा छोटा सा सामान होता है, तो देखिए छोटा छोटा सामान इस पर रखा, खिसकाया इसे अंदर बाहर, तो सामान इस पर से नहीं गिरा और इसमें अच्छे से छोटी छोटी शीशियां भी रखी रही। मैंने इसे शीशे के सामने भी प्लेस करके देखा तो ये अच्छी और सुंदर लग रही थी। तो देखिए, छोटा सामान भी अच्छे तरीके से ले ले रही है, भारी सामान भी हम इसमें रख ले रहे हैं। और देखिए, अब मैंने इसे रखा अपने जो है डेस्क पे, जहाँ की मैं अपना कुछ काम करती हूँ। तो देखिए, जब मैंने इसे अपनी स्टडी डेस्क के बगल में रखा तो डायरीज रखी थी, पेंस रखे थे, तो खिसकाया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी अच्छी तरीके से स्लिम होने की वजह से इस कॉर्नर में चली गई। तो क्योंकि इसका साइज पतला है, सामान ज़्यादा ले लेती है, साइड में जो इसकी शेल्फ है वो क्योंकि गहरी है तो उसमें से सामान गिरता भी नहीं है। जैसे मैंने इसे फ्रिज के बगल में रख के देखा तो इसमें फ्रिज की, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं तो इसमें रख सकते हैं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कांच की बॉटल रखने से इसमें से गिर ना पड़े। तो आप वैसे इसे फ्रिज के बगल में भी रख सकते हैं। मैंने इसको मंगाया था अपने बाथरूम में रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा साइज इसका गड़बड़ आ गया और इसे मैं बाथरूम में नहीं रख पाई। तो आप इसे बाथरूम में भी प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट लगा, बढ़िया प्रोडक्ट लगा, जिसको कि हम ले सकते हैं घर के लिए। मजबूत है, स्टडी है, सामान को होल्ड कर रही है अच्छी तरीके से, सामान गिर भी नहीं रहा है और कई जगह पे हम इसे रख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये सबसे अच्छी किस जगह लगी, मैं इसको वहीं पे प्लेस करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।